मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान विंध्य क्षेत्र का सियासी पारा गर्मा गया है। हाल में राहुल गांधी यहां से सभा करके गए हैं और अपने विंध्य क्षेत्र के तमाम जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके हक में वोट की अपील करके गए हैं। और सबसे खास बात कि खुद मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने मोर्चा संभाल रखा है। मेरे साथ इस वक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल हैं, उनसे बात करते हैं। विंध्य में क्या लगता है सर, इस बार क्या सूरत रहेगी कांग्रेस की? देखिए, विंध्य में इस बार कांग्रेस पार्टी के हम समझते हैं कि सारी सीटें हम लोग जीत रहे हैं और पूरे देश में जिस तरह से वातावरण बना है मोदी जी के खिलाफ, मोदी जी ने जो देश की जनता को गुमराह किया था और धोखा दे के बड़े बड़े वादे करके जो वोट लिए थे, देश की जनता ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया है और हम समझते हैं कि अब इस बार मोदी जी की दाल गलने वाली नहीं है। हमारी सरकार बनने के बाद जिस तरह से हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने जो वचन दिए थे उसमें जिस तरह से तेज़ी से काम किया है, ये हम समझते हैं कि जो भी निर्णय हमारी सरकार ने बनते ही इतने कम समय में जो निर्णय लिया है उससे प्रदेश की जनता का एक विश्वास हासिल करने में हमारी सरकार, हमारी पार्टी कामयाब हुई है। अजय सिंह, राजेंद्र सिंह जैसे दिग्गज इनसे हार गए। देखिए, हमने जैसे पहले भी कहा कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां थीं, कुछ विसंगतियां थीं और कहीं ना कहीं हम अति विश्वास में हमने ध्यान नहीं दिया, हम दूसरी जगह घूमते रहे, हमारे नेता दूसरी जगह घूमते रहे, तो कहीं ना कहीं इसका भी रिएक्शन हुआ है। सर, अभी सीधी में वोटिंग हो गई है, सीधी में क्या देखते हैं जो आपके प्रत्याशी हैं? अजय सिंह नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं और मुझे लगता है कि शायद अजय सिंह के लिए आखिरी मौका होगा खुद की सियासत को साबित करने के लिए। देखिए, हम समझते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, सीधी संसदीय क्षेत्र कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं। सतना से गणेश सिंह हैट्रिक लगाने की तैयारी में, बीजेपी का दावा है कि गणेश सिंह हैट्रिक मारेंगे इस बार। अब दावा करना उनके हाथ में है, दावा तो सारी सीटों की कर सकते हैं। अजय सिंह का शुरुआती दौर में ये कहना था कि पूरी तैयारी मेहनत मैंने सतना के लिए की है, जबकि अब सीधी में शिफ्ट कर दिया है, लेकिन वहाँ भी जीतेंगे। देखिए, ऐसा है, वो ये पार्टी तय करती है कि इसको कहाँ से लड़ाना है, तो ये पार्टी का नज़रिया है, ये शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं, इसके लिए कमेटी बनी हुई है और पार्टी ने जो भी निर्णय किया होगा वो सोच विचार के किया होगा और कहीं ना कहीं जो अजय सिंह जी राहुल भैया हैं उनका भी इंटरेस्ट सीधी में था, तो पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो पार्टी का निर्णय था। हम सबका जो काम था चुनाव पार्टी के लिए काम करना, चुनाव जिताना, वो हम लोगों ने सबने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सबने बखूबी जो अपना कर्तव्य है उसका निर्वहन किया है और उसमें सफलता भी मिली। विंध्य में विधानसभा चुनाव के दौरान तमाम जो दिग्गज नेता थे सभी का पुअर परफॉर्मेंस रहा, सिर्फ और सिर्फ एक कमलेश्वर पटेल ही थे जो अपनी सीट बचाई और बतौर इनाम आपको मंत्री बनाया। एक तरीके से कहा जा सकता है कि विंध्य रीजन में इस वक्त सबसे दिग्गज नेताओं में कमलेश्वर पटेल का नाम है। ये कहना तो हम समझते हैं कि कोई दिग्गज नेता कहने से नहीं बनता है, बल्कि उसको उस तरह से काम करना होता है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार जोरों पर है, देख सकते हैं। इस वक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल अपने प्रत्याशी के लिए दौरा कर रहे हैं और प्रत्याशी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। इस समय सतना के गांव, सतना जिले के, सतना लोकसभा के गाजर गांव में इस वक्त पहुंचे हुए हैं। क्या मानते हैं सर, इस बार क्या मुद्दे होंगे इलेक्शन में, आप किन मुद्दे पर वोट करेंगे? हम तो मुद्दा नहीं लिए हैं, हम तो सिर्फ कांग्रेस को ही वोट देंगे। जी हाँ, क्यों? हमारी इच्छा है, हमारे गांव में भी करीब 5-6 प्रमाण पत्र आ गए हैं, लोगों को मिल भी गए हैं, बाकी को ये है कि आचार संहिता के कारण रोक दिया गया है, प्रमाण पत्र बन रहे हैं लेकिन बनना चालू है, मिले नहीं लोगों को। लोकसभा प्रभारियों की एक रिपोर्ट कांग्रेस आला कमान को कमलनाथ जी के पास गई जिसमें इस बात का जिक्र था कि विंध्य क्षेत्र में गुटबाजी अभी ख़त्म नहीं हुई है। देखिए, हमारी तरफ से कोई गुटबाजी नहीं है, अगर कांग्रेस पार्टी है तो हम सब हैं। किसानों की कर्ज माफ़ी जो कांग्रेस ने चुनाव के दौरान वादा किया था, अब चूँकि 22 लाख किसानों की कर्ज माफ़ी हो चुकी है ऐसा दावा आप लोगों का है, क्या लगता है ये कितना गेम चेंजर के तौर पर सामने आएगा? तो हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने अपने दायित्व का निर्वहन किया है, किसानों के ऊपर कोई, हम कह सकते हैं कि कोई उनके ऊपर
उपकार नहीं किया है, ये हमारा दायित्व है। उस दायित्व का निर्वहन हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है और ये स्वागत योग्य है और इसका पूरा असर किसानों के ऊपर आम जनता में दिखाई भी दे रहा है। मतलब बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज, मोदी जी भी आए थे, उन्होंने भी कहा कर्ज माफ़ी नहीं हुई है। देखिए ऐसा है कि सारे किसान तो कर्ज लेते नहीं हैं, जो कर्जदार है और जो माफ़ हुआ है जिसका, उसको तो एहसास है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को का भी कर्ज माफ़ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदत है झूठ बोलने का। 15 साल सरकार चलाई, 2 रुपये माफ़ नहीं किया, अब इनके पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, रीवा में क्या स्थिति देखते हैं सर? जनार्दन मिश्रा का भी दावा है कि वो भी इस बार ही सीट निकाल देंगे। आपके कैंडिडेट सुंदरलाल तिवारी के बेटे, क्या परफॉर्मेंस है उनका? देखिए ऐसा है कि कांग्रेस का प्रत्याशी तो जीत रहा है और 100% जीतेंगे। और रही मिश्रा जी की बात, मिश्रा जी 5 साल सांसद थे, एक गांव का जो विकास नहीं कर सकते तो किस आधार पे वोट देगी रीवा संसदीय क्षेत्र की जनता? बिल्कुल पूरी तरह से रीवा संसदीय क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी को भारी मतों से जिताएगी। उसका एक पारिवारिक पृष्ठभूमि भी है और दूसरा, अभी सुंदरलाल तिवारी जी का 1 महीना पहले ही दुखद निधन हुआ है, तो वो भी एक सिंपैथी भी है लोगों के मन में, उनके प्रति एक, उनके दादाजी के प्रति भी लोगों का लगाव था, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जरूर मिले। ये सब देश में अचानक राम और मंदिर मस्जिद की सियासत, लोकसभा चुनाव में न्यू इंडिया में, ये सब कहाँ से शुरू हो गई? देखिए दुख तो इसी बात का है कि जो लोग कुछ करते नहीं हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, सिर्फ नारे देते रहते हैं, जुमले गढ़ते रहते हैं, तो ये कोई विकास तो किए नहीं। जब डेवलपमेंट्स नहीं किए, विकास नहीं किए, जो वादे किए थे वो देश की जनता के साथ वादे निभाए नहीं, तो कहीं ना कहीं वोट लेने के लिए आखिरी में ये लोग इसी तरह का षड्यंत्र रचते हैं। ये षड्यंत्र की राजनीति है, ये देश की जनता को गुमराह करके, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे गुमराह करके वोट लेने की राजनीति है। चुनाव के दौरान राम तो आप लोग को भी याद आते हैं, राहुल गांधी आए थे, चित्रकूट गए थे, भगवान कामतानाथ के दर्शन किए थे और उसके बाद रोड शो किया था, बड़ी सभा की थी। देखिए ऐसा है कि हमारे नेता और नेताओं के साथ साथ हम सब डेली हम समझते हैं स्नान ध्यान के बाद ध्यान करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, और भगवान का नाम कहीं भी किसी भी तरह हमारे नेता जाते हैं पर ढोंग नहीं करते। लेकिन दिग्विजय सिंह को दिखाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि वो हिंदू हैं, उनके लिए साधु संत वोट मांग रहे हैं, रोज़ फेसबुक पे, सोशल साइट्स पे उनकी तस्वीरें वायरल होती हैं, कभी मंदिर जाते हुए, कभी राम जी के दरवाजे पे। नर्मदा जी की परिक्रमा अगर किसी ने किया है और सच्चे मन से किया है तो दिग्विजय सिंह जी ने किया है। उनको उस समय नहीं मालूम था कि भोपाल से चुनाव लड़ना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस बार चुनावों में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो अपने बजाय मोदी जी के नाम पर वोट मांगते हैं, ऐसा क्यों? देखिए बड़ा आश्चर्यजनक बात यह है कि मोदी जी को, पहली बात तो मोदी जी ने 5 साल में कुछ किया नहीं और प्रत्याशियों ने तो कुछ किया नहीं। अब मोदी जी, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह सर्वे सर्वा हैं, उसके अलावा तो पार्टी में कोई कुछ है नहीं, तो जो व्यवस्था अमित शाह जी ने बना दी वो व्यवस्था का पालन करना प्रत्याशियों की मजबूरी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं? मध्य प्रदेश में आज की डेट में 29 की 29 सीटें हम जीत रहे हैं। चलिए, ये थे विंध्य रीजन के कांग्रेस के स्टार प्रचारक और मध्य प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री कमलेश्वर पटेल। साफ तौर पर दावा है कि इस बार मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें कांग्रेस जीतेगी और साथ ही साथ कमलेश्वर पटेल जहां जहां घूम के आए, हाल में रायबरेली का 2 दिन का दौरा करके आए हैं, तो उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी लीड कांग्रेस को मिलेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।